जब से ये दोनों लड़कियां मेरे घर में आई हैं, मेरे घर का तो चैन सुकून सब बर्बाद हो गया। जो होना था वो हो गया, अब इन बातों से क्या फायदा, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सब? मेरे बेटे ने अपनी औलाद खोई है, आप कह रही हैं भूल जाऊं? ऊपर से इतने लंबे चौड़े खर्चे, मनहूस को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, कहां से करेगा मेरा बेटा इतने खर्चे, कहां से अदा करेगा फीसें? पहले उसका बाल बाल मकरूज है बच्चे का। अरे तो भाई को भी क्या जरूरत थी उसे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाने की, ले जाते किसी सरकारी अस्पताल में। वैसे भी बीजान, हमें तो मतलब इलाज से है ना। मैंने कहा था उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए सरकारी अस्पताल बहुत दूर था, तो मैंने कहा कि किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर बिल भी आप चुका दीजिएगा, मेरा बेटा तो बिल नहीं चुका सकता, उसकी हालत तो बहुत पतली है। हद है वैसे अम्मा जी आपकी भी, आप इस लड़की का बंदोबस्त करें, उसे कोई हक नहीं है मेरे घर में रहने का। मुझे तो पहले ही जहर लगती थी वो, अब तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे इस घर में। वैसे अम्मा कह बिल्कुल ठीक रही, हर बात की एक हद होती है दादी। सुजाला ने तो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, लेकिन आप चुपचाप देखती रही, कुछ भी ना कहा। यकीन जाने अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो हाथ से पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती। खुदा गवाह अम्मा जी, अगर ये हरकत मेरी बच्ची ने की होती तो अपने हाथों से गला दबा के इसे मार देती मैं। अब उसका मैं बंदोबस्त करूंगी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी बच्ची को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। देखो नुसरत, बच्चियों से गलती हो जाती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं घर से निकाल लूं। अम्मा जी, जवान जहान बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। अब मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं मोहल्ले वालों की तरह तरह की बातें सुनूं, जवान बच्ची है मेरी भी। वैसे अम्मा बीजान ठीक ही कह रही हैं, अब बेचारी उजाला का हमारे अलावा कोई और है भी तो नहीं, कोई ठिकाना भी तो नहीं है, कहां जाएगी इस घर को छोड़कर। लेकिन बीजान मैं क्या कहती हूँ कि एक काम करे ना, उस रिजवान से, उजाला के आशिक से, उसकी शादी करवा दें, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। इससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और उजाला अपने घर की भी हो जाएगी। ऐसा करें, आज ही जाएं, रिजवान की माँ से बात कर लें रिश्ते की, चार जोड़ों में रुखसत कर दें उजाला को खुशी खुशी, ठीक है ना बीजान?